इंडिया में इतने लोग हैं कि बवाल ना कटे तो ऐसा लगता है किसी दिन की कुछ हुआ ही नहीं है। सबसे पहले आप लोग ये डेफिनेशन देखिए, यहां क्वेश्चन पूछा गया है कि आर सेलिंग कोर्सेज अ स्कैम, कि मतलब क्या किसी कोर्स को बेचना एक स्कैम होता है। डेफिनेशन लिखी है कि ये जो स्कैम होता है इसमें ऐसा होता है कि एक खुद को एक्सपर्ट बताने वाला जो इंसान होता है, जो किसी भी सब्जेक्ट या एरिया में एक्सपर्ट अपने आप को बताता है, वो एक सब्जेक्ट क्रिएट करता है, कोर्स क्रिएट करता है, उसके बाद वो कोई या सेमिनार बनाता है या मतलब सेमिनार लेता है या कोई वेबिनार बनाता है जिसमें कि ऑनलाइन लोगों को जोड़ा जाता है, या फिर कोई कोर्स बनाता है और बोलता है, प्रॉमिस करता है कि यहां पर आपको सक्सेस सफलता को पाने के सीक्रेट्स बताए जाएंगे। ये हो गया एक कोर्स। इसके आगे लिखा है कि हाँ ये बात सही कि कुछ कोर्सेज काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, लेकिन अधिकतर कोर्सेज जो होते हैं वो यहां पर आप देखेंगे लिखा है ब्रैगिंग, मतलब कि यहां पर सिर्फ बातें होती हैं और कुछ नहीं होता। एक सेल्फ मार्केटिंग, मतलब खुद की मार्केटिंग करने की अपॉर्चुनिटी होती है, और साथ ही साथ यहां पर कोई रियल वैल्यू आपको ना दी जाती है ना ही सिखाई जाती है। ये एक डेफिनेशन हो गई कि ये आर सेलिंग कोर्सेज अ स्कैम। दूसरी डेफिनेशन कि हु आर फेक गुरुज, ये डेफिनेशन आप जरा ध्यान से सुनिए। इसमें लिखा है कि कुछ लोग फेक गुरु बन जाते हैं पैसे कमाने के लिए। कैसे? वो फॉल्स प्रोमिसेस को बेचते हैं, जो प्रोडक्ट्स ऐसे बेचते हैं जो कि किसी प्रकार के इफेक्टिव नहीं होते, इनइफेक्टिव प्रोडक्ट बेचते हैं या सर्विस बेचते हैं, या पीपल को इस प्रकार की गाइडेंस देते हैं, एडवाइस देते हैं जो किसी मतलब की नहीं होती। दे मे यूज मैनिपुलेशन, मतलब हो सकता है वो मैनिपुलेट करें इसके लिए लोगों को, एक डर की टैक्टिक्स को अपनाएं या फिर अनएथिकल प्रैक्टिस करें फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए और उनके खुद के बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ये कहलाते हैं फेक गुरुज। अब आप अगर सोच रहे होंगे कि भैया मैं आपको इतना ज्ञान क्यों बांट रहा हूं, तो शायद आपने थंबनेल ध्यान से देखा नहीं। अभी ऐसा हुआ है कि YouTube की कम्युनिटी के ऊपर दो जो जायंट्स हैं वो आपस में ऐसे अपने हॉर्न्स को लॉक कर लिए। एक तरफ है संदीप महेश्वरी जी, जिनका कि चैनल एक तरह से YouTube का NGO है, मतलब कि किसी प्रकार का कोई पैसा वो उस चैनल से कमाते नहीं, बल्कि लोगों को सीख देने का काम करते हैं। दूसरी तरफ बारी आ जाती है किसकी, भैया विवेक बिंद्रा जी की। ये ऑब्वियसली बात है एक मोटिवेशनल स्पीकर है, साथ ही साथ बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं, बिजनेस कोच भी हैं और तरह तरह की चीजें इनके साथ, इनके नाम के साथ या तो इन्हें खुद ही जोड़ के रखी है या लोगों ने प्रेम के साथ में, पूरे भाव के साथ में, इनके नाम के साथ में जोड़ दी। एक तरफ हम बात करें संदीप महेश्वरी जी की, तो इनकी काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग यंगस्टर्स में है, यूथ में है। 28 मिलियन के करीब इनके यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि एक बड़ा नंबर होता है, और इन सब्सक्राइबर्स में एक बड़ी संख्या यंगस्टर्स की। दूसरी तरफ बात करें हम विवेक बिंद्रा जी की, तो इनके भी सब्सक्राइबर कोई कम नहीं है, करीब करीब 21 मिलियन इनके भी सब्सक्राइबर्स हैं। इनके सब्सक्राइबर्स में भी अधिकतर वर्किंग प्रोफेशनल्स और यंगस्टर्स हैं, क्योंकि ये भी काफी सारी ऊर्जावान चीजें बताते हैं, नई चीजें बताते हैं, साथ ही साथ ये कई सारे बिजनेस को सीखने के कोर्सेज को भी बेचने का काम करते हैं। इनके चैनल पर आप जाएंगे तो आपको इस तरह के वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें कि ये बोलते हैं कि एक बहुत ही मिनिमम फीस को देकर आप हमारे कोर्स को खरीद सकते हैं, EMI पर ले सकते हैं, जिसमें कि हम आपको काफी सारी चीजें सिखाएंगे। ये सब चीजें विवेक बिंद्रा जी के चैनल पर हैं और यही सब चीजें संदीप महेश्वरी जी के भी चैनल पर हैं, जो मैंने उनके बारे में बताया कि वो लोगों को मोटिवेट करते हैं, काफी सवालों के जवाब देते हैं, काफी फेमस पर्सनालिटीज को अपने चैनल पर बुलाकर लोगों से मुखातिब भी कराते हैं। इवन डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी इनके चैनल पर एक मरतबा आ चुके हैं। अब इससे पहले कि हम लोग विवाद को लेकर आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग MLM को समझ लेते हैं कि आखिर मल्टी लेवल मार्केटिंग होती क्या है। तो अगर आपको याद ना हो तो आपको याद दिलाता हूं, सलमान खान की एक मूवी आई थी जिसका कि नाम था जय हो। उस मूवी में सलमान खान कहते हैं कि मैं एक आदमी का भला कर रहा हूं, आप हर एक आदमी को जाकर आगे तीन लोगों का भला करना है। ऐसे करते करते एक बड़ी सी चेन बनेगी और हम दुनिया में एक भला करने वाली जो मानसिकता उसको इंड्यूस कर देंगे। बस ऐसा ही MLM में होता है। मान लीजिए मैंने आपको ये 1 2 3 ये तीन चीजें हैं मेरे पास में, ये तीन चीजें मैंने आपको बेची, मैंने आपसे इसके बदले में ले लिए कितने 100 रुपए कि भैया तीन चीजें मैं आपको 100 रुपए में दे रहा हूं। अब आप मुझसे बोलोगे कि भैया मैं क्या करूं, तो मैं आपसे कहूंगा आप तुम एक काम करो, जाओ और इनमें से एक एक चीज को 50-50 रुपए में बेचो। अब आप जब इन तीनों चीजों को 50-50 रुपए में किसी को बेचोगे, तब आपने क्या किया, तीन लोगों को बेचा, एक से 150 कमाए, दूसरे से 150 कमाए, तीसरे से 150 कमाए। मैंने आपसे क्या किया, उन तीन किट के मैंने आपसे 300 रुपए ले लिए, आपके पास क्या गया, आपके पास हर एक का 50-50 रुपए कमीशन आ गया, मतलब आपने खुद को 150 रुपए कमा लिए। जो 100 रुपए आपने लगाए थे वो कमीशन भी निकल गया और 50 रुपए आपने प्रॉफिट भी कमा लिया। ऐसा ही आपने अपने आगे के लोगों से कहा कि भैया अब आप लोग भी जाओ और अपने आगे तीन तीन लोगों को वो सामान बेचो। ऐसे करके आपने क्या किया, सामान बेचा। अब आज की तारीख में ये हो रहा है कि कई सारे ऐसे ही ऑनलाइन बिजनेस के कोर्सेज, कई सारे इंग्लिश के कोर्सेज, वीडियो बनाने के कोर्सेज, एडिटिंग के कोर्सेज, जिस चीज में आपको सोचने की जरूरत पड़ रही है उस चीज का कोर्स आपको मिल जाएगा। इन कोर्सेज में बेसिकली ऐसी कोई चीज नहीं होती जो रॉकेट साइंस वाली हो, बहुत हल्की फुल्के आपको डेटा दिया जाता है। इन कोर्सेज का मेन एम ये होता है कि भैया हमको स्टूडेंट्स को टारगेट करना है और उनसे हमको ये कोर्सेज खरीदवाना है।
होता क्या है, स्टूडेंट्स जो कि ऑब्वियसली बात है पढ़ाई कर रहे होते हैं, पैसा कमाने की एक आग होती है उनके अंदर, वो घर वालों से कहीं से उधार लेकर पैसे लेकर ऐसे कोर्सेज ले लेते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि यार इस कोर्स में तो ऐसा कुछ है नहीं, बेसिक सी बात यह है कि बस यही कोर्स अगर आप आगे भी 3-4 लोगों को बेचोगे तो आपको हर एक सेल के ऊपर एक परसेंटेज, एक कमीशन मिलेगा, उससे आपकी कमाई होगी। अब यहां पर बात यह आ जाती है कि यहां पर प्रोडक्ट जो है कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है बल्कि एक डिजिटल कोर्स है, जहां पर कि मेरे जैसे क्रिएटर ने वहां पर एक 10 वीडियो बनाकर उस कोर्स में डाल दिए हैं, बस उन्हीं वीडियोस को आगे आपको बढ़ाते जाना है। ऐसे भी कई सारे कोर्सेज की डिटेल निकलकर सामने आती है जिसमें कि जो भुक्ता रहता है, जो यूजर रहता है, वो कहता है कि इससे अच्छे वीडियोस तो हमको फ्री में यूट्यूब पर मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आज की तारीख में ये ऑनलाइन वीडियो कोर्सेज का जो पूरा मार्केट है वो काम कर रहा है। जो शुरुआत में हमने सवाल देखा था ना कि आर सेलिंग वीडियोस ऑनलाइन या वीडियो कोर्सेज ऑनलाइन इज अ स्कैम, वो इसी संबंधित था। इसको भी एक टर्म दिया गया आज की तारीख में कोर्सेज बेचने वाला। तो इसी तरीके से चीजें चलती हैं। अब आए भैया मुद्दे के ऊपर कि आखिर मुद्दा क्या है, जिससे कि आपको भी समझ में आ पाए कि भैया इतनी बड़बड़ हम कर क्यों रहे हैं। तो मुद्दा कुछ यूं है कि संदीप महेश्वरी जी ने एक स्कैम को एक्सपोज करने का थंबनेल लगाते हुए एक वीडियो डाला। कब? जबकि वो एक बिजनेस मास्टरी की क्लासेस का पूरा सेमिनार चला रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, वहां पर वो बिजनेस को लेकर काफी सारी चीजें बता रहे हैं, अच्छी चीजें बता रहे हैं और लोग उससे काफी कुछ सीख रहे हैं, पर व्यूज उतने नहीं आ रहे हैं। खैर, इसके बीच में उन्होंने एक एक्सपोज करते हुए वीडियो डाला जिसमें कि दो लड़के आते हैं और वो एक बिजनेस मॉडल के बारे में बताते हैं कि भैया हमसे 35,000 लगवा लिए, हमसे 50,000 लगवा लिए, कुछ लोगों से 10-10 लाख रुपए लगवा लिए, और फिर क्या हुआ, हमको कोर्स के नाम पे, वैल्यू के नाम पे कुछ नहीं मिला। उम्मीद हमसे ये की जा रही है कि हम उसी कोर्स को आगे बेचें, इस कारण हो क्या रहा है, हमें सीखने के लिए कुछ नहीं मिला, हमको एक सेल्समैन बना दिया गया, हमें घर पे गालियां पड़ रही हैं, हम घर से गरीब हैं, और भी तरह तरह की बातें उन्होंने बताई। जैसे कि उसमें उन्होंने बताया कि यहां पर स्कूल के बच्चों को टारगेट किया जाता है, ऐसे को टारगेट किया जाता है जो पढ़े लिखे नहीं होते, ऐसे को टारगेट किया जाता है जो कि ज्यादा मतलब एकदम ताकतवर नहीं होते, ऐसा होता है कि भैया नहीं हम तो जाके केस कर देंगे, ऐसे लोग नहीं होते। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, पढ़ा लिखा इंसान जो कामकाज में लगा होता है वो कभी भी ऐसे कोर्सेज में फंसता नहीं, जो बिल्कुल घर पे फालतू बैठा इंसान होता है वही इस तरह के कोर्सेज में अधिकतर जाकर फंसता है। तो इस तरह की बातें इस संदीप महेश्वरी जी की वीडियो में आए दो शख्सों ने पूरी बुरी बात बताई कि भाई ऐसा ऐसा चल रहा है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वीडियो में कहीं पर भी किसी भी शख्स का नाम नहीं लिया गया, बस बोला इतना गया कि यह सब काम एक बड़ा यूट्यूबर कर रहा है और उस यूट्यूबर की तरह कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। बस यहां पर कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, देश विदेश से कई सारे बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को, मेंटोर्स को बुलाते हैं जो भरोसा दिलाते हैं कि अगर आपने ये कोर्स नहीं खरीदा तो आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा। तो ऐसे में कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है और कहीं ना कहीं इसीलिए लोग इस स्कैम में फंस भी जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये कोर्सेज जो हैं सिर्फ कुछ लोग नहीं बल्कि लाखों लोग खरीद रहे हैं। तो ऐसे में ये जो स्कैम है ये कई 100 करोड़ में पहुंच रहा है। मतलब जैसे इन दो लड़कों ने ही बताया 35,000 और 50,000 लोगों ने इन्वेस्ट किए, आप इसको इंटू करेंगे कुछ लाख से ही तो ये करीब मतलब 400-500 करोड़ के आसपास का ये स्कैम पहुंच जाएगा। अगर इतना बड़ा नहीं भी हुआ, 100 करोड़ का भी हुआ तो भी आप समझ सकते हैं। बट पहली बात जो मैंने बताई कि इस वीडियो में, संदीप महेश्वरी जी की वीडियो में, किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया, किसी का भी नाम नहीं। अब ऐसे में सीधी बात क्या आ जाती है, तो ये मामला बढ़ कैसे गया? मामला बढ़ गया दरअसल संदीप महेश्वरी जी के एक कम्युनिटी पोस्ट के बाद। संदीप जी ने अपनी कम्युनिटी के ऊपर एक पोस्ट डाला जिसमें कि इन्होंने लिखा, ये पोस्ट 3 दिन पुराना है, इस पोस्ट के ऊपर करीब करीब अभी तक 2,53,000 लाइक्स आ चुके हैं, 36,000 कमेंट आ चुके हैं। इसमें इन्होंने लिखा कि मेरी टीम जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में है, जो वीडियो हम लोगों ने अभी डाला है उसको डिलीट करने को लेकर। मैं एक चीज आपको एब्सोल्युटली क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम लोग इस वीडियो को किसी भी परिस्थिति में डिलीट नहीं करेंगे। इनफैक्ट जिस आदमी को हम लोगों ने यहां पर स्कैम को एक्सपोज कर लिया है, उस वो भी हमको वीडियो को डिलीट करने के लिए लगातार कॉल्स कर रहा है कि हम जो है अपना स्टेटमेंट बदलें। उन्होंने लिखा है कि हमारे पास इस बात की रिकॉर्डिंग भी है। इसी के साथ उन्होंने लिखा है कि ये जो पूरा मामला है काफी बुरा हो सकता है, लेकिन मैं तैयार हूं इसके लिए, बिकॉज मैं ये जो स्टैंड ले रहा हूं ये मैं हमारी सोसाइटी के लिए ले रहा हूं। उन्होंने लिखा इसके आगे कि मैं इसके लिए अलोन नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं और मेरे साथ कई लोग खड़े हुए हैं, आप लोग खड़े हुए हैं। वाकई उन्होंने सवाल लोगों से पूछा। अब संदीप महेश्वरी जी का ये पोस्ट सामने आना था और ऑब्वियस सी बात है बवाल मच गया, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि संदीप महेश्वरी जी की फैन फॉलोइंग जो है यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा है और आज की तारीख में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर यंगस्टर्स की जो मौजूदगी है वो बहुत ज्यादा रहती है। इसके बाद इन्होंने एक दिन पहले एक और पोस्ट किया। अब ये पोस्ट काफी बड़ा था, इस पोस्ट के ऊपर पिछले पोस्ट से भी ज्यादा लाइक्स भी आया, करीब 3.5 लाख के करीब इसके ऊपर लाइक्स आए हैं। इसमें लिखते हैं कि मेरे प्यारे विवेक, यहां पर इन्होंने नाम लिया, अब नाम ले लिया गया है। इन्होंने लिखा कि एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी, इसके आगे ने लिखा कि मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है। इन्होंने आगे कहा कि और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने एम्प्लॉइज को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार,
क्या आपके आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूं? डरता वो है जो कुछ गलत करता है। मैं आप अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए काम करता हूं और मरते दम तक करता रहूंगा। आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते और मुझे अकेला समझने की गलती मत करना। पूरी YouTube कम्युनिटी मेरे साथ में है, सारे यूट्यूबर्स छोटे से लेकर बड़े से लेकर सब अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे, आपका नाम लेकर आपका बड़ा बिजनेस के बारे में खुलकर हम बात करेंगे। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। किस किस को धमकाकर उनका वीडियो डिलीट करवाओगे? एक डिलीट होगा, हजार वीडियोस बनाएंगे, पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, फिर चाहे वो कोई सीएम या पीएम ही क्यों ना हो, तुम तो चीज ही क्या हो। नाउ इट्स पब्लिक वर्सेस विवेक। अब संदीप महेश्वरी जी का जो ये पोस्ट था कम्युनिटी पोस्ट, ये ऑब्वियस सी बात है काफी ज्यादा एक्सप्लोजिव था। इन्होंने नाम लिए, धमकी के बारे में बताया और तरह तरह की बातें करी। अब संदीप जी का ये पोस्ट आना था, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि विवेक बिंद्रा जी का भी एक पोस्ट सामने आया। बड़ी बात यह थी कि इस पोस्ट को काफी बड़ा लिखा गया था। इस पोस्ट के ऊपर लाइक की बात करें तो 21 मिलियन फॉलोअर्स होने के बाद, सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद इस पोस्ट के ऊपर आप लाइक देखेंगे तो मात्र 15,000 लाइक है, क्योंकि 21 मिलियन के लिहाज से काफी कम है। कम से कम 1-2 लाख होते तो समझ में भी आता, पर काफी कम है। चलिए ठीक है, आगे अगर हम इस पोस्ट में देखें तो विवेक जी ने बहुत ही सदी हुई भाषा में और प्रोफेशनल भाषा में अपनी बात कही। इसमें उन्होंने लिखा है कि संदीप भाई, आई वॉच योर लेटेस्ट वीडियो बिग स्कैम एक्सपोज। मैंने आपका लेटेस्ट वीडियो देखा बिग स्कैम एक्सपोज। मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को हिंदी में बताने की। इन्होंने लिखा है कि जैसे कि आपने कंफर्म किया कि ये वीडियो मुझसे रिलेटेड है और मेरी कंपनी से रिलेटेड है, तो मैं चाहता हूं कि हम लोग इसके बारे में ओपनली डिस्कस करें। इसीलिए मैं अपनी ऑफिशियल आईडी से ही आकर ये सिर्फ लिख रहा हूं, जिससे कि पब्लिक के बीच में, ऑडियंस के माइंड में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना जाए। इन्होंने लिखा कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया था, जहां पर कि मैंने आपके सभी सवालों का खुलकर जवाब दिया आपके साथ कंप्लीटली ऑनेस्टी के साथ। और उसी सेम ऑनेस्टी के साथ मैं ये फिर से कहना चाहता हूं कि अगर अभी भी आपके मन में, आपके ऑडियंस के मन में कोई क्वेश्चन है मुझको लेकर, तो मैं उन सभी के जवाब देने के लिए और आपके शो में दोबारा आकर डिस्कस करने के लिए तैयार हूं। मैं आपको इसका ओपनली चैलेंज करता हूं, क्या आप में इतने गट्स हैं कि आप रियलिटी को फेस कर सकें? आगे इन्होंने लिखा कि मैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए कहना चाहता हूं कि मैं बहुत लार्ज इवेंट्स अभी तक के ऑर्गेनाइज करता हूं एंटरप्रेन्योर्स के लिए, लॉन्च पैड का, जहां पर कि हजारों यंग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं और वो खाली हाथ कभी नहीं जाते, उनको गाइडेंस मिलती है टॉप मेंटर्स के साथ में। अगला, मैं एक मतलब यहां पर इन्होंने थोड़ी सी मार्केटिंग भी कर दी मुझे ऐसा लगता है। इन्होंने लिखा कि अब जो हूं मैं एक 10 दिन के MBA प्रोग्राम के साथ आ रहा हूं एंटरप्रेन्योर्स के लिए। अभी यार 2 साल का जो कोर्स होता है वो 10 दिन में कैसे हो जाएगा, ये थोड़ा समझ से परे, पर ठीक है भाई। देखिए बहुत टैलेंटेड इंसान है, बहुत रिनोन इंसान है, तो हो सकता है 2 साल का कोर्स 10 दिन में करा रहे हो। अभी हमको इस कोर्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है तो हम बोल नहीं सकते। इसके आगे इन्होंने लिखा कि और मैं इसके लिए कोई चार्ज नहीं कर रहा हूं। ओह, ये तो एक अलग ही तरह का हो गया। फ्री वाला जो जुमला होता है, ये फ्री वाला जुमला देकर तो बंदा जाने कितने लोगों को बर्बाद किया जा चुका है। खैर, इसके आगे लिखा कि लेकिन फिर भी मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। अब यहां पर देखिए बीच में एडवर्टाइजिंग की लाइन डालकर इन्होंने आखिर में लिख दिया कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं और अगर आपके पास में किसी प्रकार के सजेशन हो या प्रपोजल हो तो मैं बिल्कुल तैयार हूं आपके शो में वापस आने के लिए, फेस टू फेस डिस्कशन करने के लिए, बस आप मुझे बता दीजिए कब। आगे लिखते हैं, अगर इशू के बारे में हम बात करें तो ये काफी ज्यादा मतलब जो आपने स्केयरिंग और थ्रेटनिंग के बारे में लिखा है मेरे एम्प्लॉयज के द्वारा, तो ये हमारे कल्चर का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। अगर फिर भी किसी ने मेरी टीम से ऐसा कुछ किया है तो प्लीज आप मुझसे अनएडिटेड रिकॉर्डिंग्स को मेरे साथ शेयर करें, मैं खुद इस पे ऊपर एक्शन लूंगा। साथ साथ उन्होंने कोष्ठक में लिखा है कि मेरे पास भी इस चीज को लेकर रिकॉर्डिंग्स हैं। आगे उन्होंने लिखा कि आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, मेरी कई सारी हम्बल रिक्वेस्ट को आपने इग्नोर कर दिया जिसमें कि मैं आपसे बात करना चाहता था। आपने मेरे 5,000 से भी ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्स को डिलीट कर दिया, जो इन्होंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है, इन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा कि इट्स ये ट्रू है कि मेरे डायरेक्टर और मेरे चीफ ऑफ स्टाफ आपके घर पर आए थे, लेकिन उनकी इंटेंशन जो थी वो आपके साथ एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने की थी, जिससे कि आपके साथ एक खुले तौर पर चर्चा हो सके। इसके आगे इन्होंने लिखा कि हमको आपका नेचर पता है तो इसीलिए हम लोगों ने इस बात का रिकॉर्डिंग भी लेकर रखा हुआ है। साथ साथ उन्होंने कहा कि हम खुद भी पूरी एंटायर यूट्यूब कम्युनिटी के साथ में खड़े हुए हैं और हम लोग किसी भी प्रकार की गलत काम को करने का कभी सोच भी नहीं सकते। आगे उन्होंने लिखा कि वीडियो को डिलीट करने के मैटर की जो बात रही तो सेंडिंग लीगल नोटिस टू इन्फ्लुएंसर्स हु स्पीक विदाउट फैक्ट्स एंड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज इज विद इन माय राइट्स। बिल्कुल यहां पर इन्होंने सही बात कही है कि भैया किसी भी इन्फ्लुएंसर को नोटिस भेजा जा सकता है, क्योंकि अगर वो बिना फैक्ट्स की बात करें तो इसीलिए गलत हो जाता है। इसीलिए भैया हम पूरी चीजें तथ्यों के साथ में आपके सामने रख रहे हैं कि जो हुआ है वो वैसा का वैसा आपके सामने पहुंच सके। आगे लिखते हैं, आगे किसी डिस्कशन के लिए आप जब भी कॉल करेंगे मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा,
बट मैं जानता हूं कि आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपके अंदर गट्स नहीं है रियलिटी को फेस करने के। ये एक इन्होंने अपना जो कमेंट किया है, हालांकि इन्होंने जो बोला 5000 कमेंट्स का, इनके खुद के पोस्ट के ऊपर 1.2 के ही कमेंट्स हैं, तो इस बारे में भी हम सोच सकते हैं। बाकी इसके बाद में संदीप महेश्वरी जी का एक पोस्ट और निकल कर सामने आया, ये थोड़ा छोटा पोस्ट है, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं उससे करीब 5 घंटे पहले का ही ये पोस्ट है, आज का ही है। इसके आगे इसमें इन्होंने लिखा है, और इस पोस्ट के ऊपर भी आप देखिए 1,33,000 लाइक्स हैं और 18,000 कमेंट्स हैं। तो संदीप जी लिखते हैं कि एक कंघी बेचना या एक कोर्स बेचना उन लोगों को who need it is not a scam। अच्छा हाँ, इन्होंने लिखा है कि कंघी बेचना या फिर एक कोर्स बेचना जिनको कि उसकी वाकई में जरूरत है, ये कोई स्कैम नहीं होता है, लेकिन ये एक जेन्युइन बिजनेस कहलाता है। बाद में लिखा है कि लेकिन एक कंघी जो कि 50 रुपए की है उसको एक टकले इंसान को बेचना, ये क्लेम करते हुए कि ये एक जादुई कंघी है जिसकी कीमत करीब 50,000 है और ये तुम्हारे टकले सर पर ऊपर 1 महीने के अंदर दोबारा बाल उगा देगी, ये एक प्रकार का स्कैम होता है। इसके आगे लिखा कि नॉट रिफंडिंग मनी उस यूजलेस ओवरप्राइस कॉम, जिसको कि ये कोर्स भी कह रहे हैं, उसी एक ओवरप्राइस कॉम की पैसे को रिफंड ना करना, ये भी एक स्कैम है। और सबसे जरूरी बात, आस्किंग दैट पर्सन, मतलब उसी इंसान को आप ये बोलो फिर कि नहीं भैया आप आगे जाकर और भी लोगों को वही कंघी बेचो, ये और भी बड़ा स्कैम है। इसके आगे उन्होंने लिखा कि मिलियंस ऑफ इनोसेंट पीपल हैव लॉस्ट देयर हार्ड एंड मनी इन सच स्कैम्स, लेट्स टेक अ स्टैंड फॉर देम। उन्होंने लिखा कि करोड़ों लोग इस चीज में अपने पैसे गवा चुके हैं जो उन्होंने मेहनत से कमाया था, तो उसके ऊपर हम लोग स्टैंड ले रहे हैं, स्टॉप स्कैम बिजनेस। 1,33,000 यहां पर लाइक्स हैं, 18,000 यहां पर कमेंट्स हैं। अब देखिए, मैं नहीं जानता कि यहां पर विवेक बिंद्रा जी ने कोई स्कैम किया है या नहीं किया है, ये जो लड़कों ने संदीप महेश्वरी जी के वीडियो में आकर बात कही है वो किसके बारे में कही, क्योंकि किसी का नाम नहीं लिया गया। बट यहां पर क्योंकि ये लड़ाई इन दोनों बड़ी शख्सियत जो कि यूट्यूब कम्युनिटी की बड़ी शख्सियत, इन दोनों के बीच में पहुंच गई है, इसीलिए अब ये मामला जो है काफी बड़ा हो गया है। बट हां, ये चीज है कि ऐसा कई सारे केसेस मैंने खुद में देखा है कि आपको स्पीकिंग का कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स सिखाया जाएगा, वीडियो एडिटिंग का कोर्स सिखाया जाएगा, यूट्यूब के ऊपर चैनल कैसे बनाए इसका कोर्स सिखाया जाएगा। इन कोर्सेज में ज्यादा कुछ वेटेज वाली चीज रहती नहीं है, बस बोला आपसे जाता है कि भैया आप घर बैठे पैसे कमाओगे, आपको करना कुछ नहीं है, आप बिल्कुल बस लोगों को जाकर बोलो कि भैया कोर्स आपको खरीदना है, आपका कमीशन आपको मिलता जाएगा, आपके अपने पैसे बनते जाएंगे। इस तरीके से सारी चीजें इस समय यूट्यूब के ऊपर चल रही है और ये दो बड़े शख्सियतों के बीच में चल रही है। अब गट फीलिंग की बात कहें तो मुझको भी शायद लग नहीं रहा है कि इन दोनों का साक्षात्कार होगा आमने सामने, पर अगर हो जाए तो भाई अच्छी बात है, बात क्लियर तौर पर सामने आ जाएगी, क्योंकि जो आरोप विवेक जी के ऊपर लगाए गए हैं, देखिए वो है तो काफी बड़े, करोड़ों की बात यहां पर हो रही है, स्टूडेंट्स की बात यहां पर हो रही है, क्योंकि जो लड़के विवेक जी के वीडियो में, संदीप जी के वीडियो में आए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमको बोला जाता है कि भैया कस्टमर को झूठ बोल के बेचना है, ये वीडियो में संदीप जी की वीडियो में ये बात लड़कों ने बोली है कि हमको बोला जाता है कस्टमर को झूठ बोल के आपको कोर्स बेचना है, लाखों लोगों ने ये कोर्स किया हुआ है, यहाँ पर स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाता है, अगर आपको पैसे वापस चाहिए तो आप हमारे कोर्स को आगे बेचो, कोई रिफंड का फंडा नहीं है, कोई अगर ज्यादा पढ़ा लिखा है यहाँ पर कोर्स में आता ही नहीं, तो इसीलिए कोई ज्यादा किसी प्रकार का जो एक्सप्लेनेशन होता है उसका जरिया ही नहीं बन पाता। और सबसे बड़ी बात, ये और भी ज्यादा बड़े लोगों से, जो मेंटर्स बड़े होते हैं, यूट्यूब के बड़े लोग होते हैं, उन लोगों से कोर्सेज बिकवाए जाते हैं, 19-20 करके काफी सारी बातें हैं जो इस पूरे मामले को लेकर आई हैं। अब आप मुझे बताइए आपका क्या मत है इस पूरे मुद्दे को लेकर। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही, जय हिंद जय भारत।